नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो ये पैनिक लोगों के मन में चल रही है कि टाटा मोटर्स का शेयर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिर सकता है और क्या रीज़न है, जो चिप शॉर्टेज का जो रीज़न बताया जा रहा है उसी के ऊपर आपके साथ विस्तार से डिस्कशन करूँगा कि क्या ये जो दिक्कत आप सोच रहे हैं ये क्या सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स को ही इफेक्ट करेगा, या फिर जो अगर आप शेयर होल्डर हैं तो क्या शेयर का जो प्राइस है 317.25 रुपया, क्या यहाँ से नीचे गिरकर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। ये सारे तमाम बातों के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, सही डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी, ये मैं आपको मतलब कह सकता हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। दोस्तों, टाटा मोटर्स का शेयर अगर आप देखें तो कल के दिन यानी कि 6 जुलाई 2021 को स्टॉक बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा था। 10% नीचे गिर गया था स्टॉक, थोड़ा सा रिकवरी आई थी लास्ट में लेकिन 10% तक गिर चुका था। इसके पीछे का रीजन जो बताया जा रहा था वो बताया जा रहा था चिप शॉर्टेज। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा चिप शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स को ही नहीं है। आप सोचेंगे कि हाँ, बाकी के अदर्स जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और हैरान करने वाला, चौंकाने वाली एक बात आपको बताऊंगा। अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सैमसंग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो यहाँ पर उनका भी अगर आप देखेंगे, एक शेयर होल्डर का एक मीटिंग होता है तो उस मीटिंग में उन्होंने भी कहा था कि ये जो चिप शॉर्टेज का, चिप का जो डिमांड है आईटी सेक्टर के लिए, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके चलते अगर आप देखेंगे उनका जो एक गैलेक्सी नोट करके जो मतलब कोई एक स्मार्टफोन है उसको भी अगर आप देखें थोड़ा सा डिले हो रहा है लॉन्च करने के लिए। तो सर, ये जो दिक्कत है ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे ऑटो इंडस्ट्री का नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री का नहीं है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे चिप शॉर्टेज की बात करें तो चिप, ये चिप होता क्या है, जो चिप शॉर्टेज कहा जा रहा है तो ये चिप होता क्या है। तो ये चिप अगर आप देखेंगे तो ये चिप एक सिलिकॉन से बनाया हुआ एक मटेरियल होता है, सिलिकॉन से बनता है ये चिप, ठीक है। तो ये चिप अगर आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कंप्यूटर्स में यूज होता है, स्मार्टफोन में यूज होता है और जो बाकी के इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वहाँ पर यूज होता है, और अगर आप देखेंगे व्हीकल में भी यूज होता है। इस चिप का जो काम होता है वो क्या होता है दोस्तों, चिप का जो काम होता है मेमोरी, अगर आप देखेंगे मेमोरी और उसके साथ साथ जो अदर फंक्शन होता है उसको, फंक्शंस को रन करने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए इस चिप का यूज किया जाता है हर उस डिवाइस के अंदर। जिस डिवाइस के अंदर अगर आप देखेंगे कोई मतलब अगर आप देखेंगे वो चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, वो चाहे आपका स्मार्ट वॉच हो, मतलब हर उस तमाम चीज़ों के अंदर कोई ना कोई चिप का यूज़ ज़रूर से होता है। और यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर चिप की बात कर रहे हैं सर, ये रीज़न क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न भी आपको समझना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मेन रीज़न है वो सर, यहाँ पर सभी लोग जो क्या है कोविड-19 का जो पैंडेमिक था या फिर पैंडेमिक के अंदर जो चल रहा है ये सिचुएशन, इस सिचुएशन को सभी लोग यहां पर बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं। तो क्यों हुआ ये भी आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे जो यहां पर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स है लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो यहां पर हमारे देश में फोर्स मोटर करके जो है, आइशर मोटर, बजाज ऑटो, मतलब सारे जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है वो सारे नहीं। अगर आप देखेंगे जब लॉकडाउन हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था तब क्या हुआ था दोस्तों, तब जो कंपनियां हैं, तो जो कंपनियां हैं उन्होंने जो ऑर्डर लिए हुए थे, ऑर्डर कैंसिल होने लगे, बहुत से ऑर्डर कैंसिल होने लगे, ठीक है। तो लॉकडाउन जैसे ही हो गया तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने शट डाउन कर दिया सारा, चूंकि है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये वो सारा कुछ शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और जो उन्होंने जो ऑर्डर दिए हुए थे वो अगर आप देखेंगे जो ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी है उनको जो ऑर्डर दिए थे, जो ये चिप बनाने वाली कंपनियां थी उनको जो ऑर्डर दिए, वो सारे जो ऑर्डर थे जो उन्होंने दिए हुए थे वो कैंसिल कर दिए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद हुआ यही, जब सारा कुछ ओपन हुआ,
जब सारा कुछ खुलने लगा, जब सारा कुछ अगर आप देखेंगे धीरे धीरे मतलब नॉर्मलाइज्ड होने लगा, तब क्या हुआ दोस्तों, तब जो डिमांड इन्होंने सोची थी, जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने जो डिमांड सोची थी, ठीक है, कि इतना डिमांड आ सकता है, डिमांड कम हो सकता है, डिमांड नहीं के बराबर हो सकता है, लेकिन सब कुछ सरप्राइज करते हुए अगर आप देखेंगे डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया, प्रोडक्ट की डिमांड, कार्स की डिमांड, मोबाइल का डिमांड, लैपटॉप का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ने लगा जिसकी उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ठीक है, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उसके चलते देखेंगे कि उन्होंने जब ऑर्डर दिया, मतलब ऐसा सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री ने नहीं किया था कि सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री ने कर दिया कि हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, ये वो सारा कुछ, मतलब सभी इंडस्ट्री ने, लगा अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से शुरू करके, मतलब सारे इंडस्ट्रीज ने जो जब लॉकडाउन हुआ था तब ऑर्डर वगैरह सारा कुछ कैंसिल कर दिया, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं, इस चिप का मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था, लोगों ने ऑर्डर, किसी ने ऑर्डर क्यों नहीं दिया था कि उनको भी पता नहीं थी कि डिमांड इतनी ज़्यादा आ जाएगी, किसी को ये इस बात की पता भनक तक नहीं थी कि इतनी ज़्यादा डिमांड आ जाएगी। आज की डेट में अगर आप देखेंगे एक और दिक्कत होगा किस इंडस्ट्री को देखेंगे सर, तो ये भी एक मतलब देखेंगे बात है जो कि सर डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट वगैरह होता है सर, वहां पर भी इस चिप का यूज होता है, तो सर उस इंडस्ट्री को भी दिक्कत हो रही है या हो सकती है आगे चलकर। तो मतलब सारे अगर आप मिलाकर देखेंगे तो हर उस इंडस्ट्री को इस चीज का अगर आप देखेंगे सामना करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत ही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस बात को अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लेंगे कि मैंने टाटा मोटर्स लिया है, टाटा मोटर्स को ही सिर्फ और सिर्फ चिप शॉर्टेज है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। चिप शॉर्टेज हर उस तमाम इंडस्ट्री को यहां पर आज की डेट में थोड़ा बहुत ही सही फेस करना पड़ रहा है। तो जब डिमांड आ गई आप देखेंगे जो मतलब यहां पर ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है इसको भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, वो चाहे टैब हो, मतलब जो कैमरा, मतलब जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनके अंदर ये जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से तेजी से आ गई, ठीक है सर, बहुत ज्यादा आ गई। तो उसके चलते देखेंगे जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको चिप नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा सर? उधर की तरफ अगर आप देखेंगे पहले डिमांड आया मोबाइल इंडस्ट्री में, पहले डिमांड आया लैपटॉप इंडस्ट्री में, मतलब ऐसा करके मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए, मैं मतलब आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब डिमांड आया सर, तब क्या हुआ सर, तब उस इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए जो चिप मैन्युफैक्चरर है तो वहां पर काम करने लगे, इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, वो ऑर्डर दे रहे थे, तो इस ऐसा करके क्या हुआ सर, ऐसा करके हुआ यही कि डिले हो गया मैन्युफैक्चरिंग में। और आज की डेट में देखेंगे ऐसा नहीं कि यहाँ पर और सर एक और चीज़ जो कि है सर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सर हो रही है सारे लोगों को, मतलब प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स की बात करें या फिर बात करें जो प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स का ये एक रिजल्ट है कि चिप शॉर्टेज। तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश कर रहा था कि चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स को नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को हो रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि टाटा मोटर्स का शेयर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं दोस्तों, स्टॉक के अंदर आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरा निजी निवेश है स्टॉक के अंदर और मैं यहां पर सर लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोच रहा हूं। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कल के दिन जब स्टॉक 10% नीचे जा रहा था तब भी मैंने यहां पर हिम्मत करके थोड़ा बहुत ऐड ही किया है, मैंने बेचने के बारे में नहीं सोचा, जो कि एक डिस्क्लेमर है। मैं आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूं कि इसको खरीद लीजिए, इसको बाय कर लीजिए, बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों, आपका पैसा है, आप डिसाइड करेंगे आपको क्या कुछ करना है। और भी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कल के दिन ही यहां पर अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक टाइम के ऊपर जो ये आर्टिकल आया था, यहां पर क्या लिखा गया है अगर आप देखेंगे, ऑनगोइंग ग्लोबल शॉर्टेज इन सेमीकंडक्टर चिप इज गोइंग टू लीड टू अ 50% डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ जेलर। तो सर जेलर के अंदर आप देखेंगे 50% डिक्लाइन आ सकता है प्रोडक्शन के अंदर इन सितंबर क्वार्टर एज द ऑटोमोबाइल मेकर स्ट्रगल टू मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट द लक्सरी कार मेकर सेड इन अ प्रेस नोट। तो सर इस बात को अगर आप थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर एक चीज कहा गया है कि ऑटोमोबाइल मेकर स्ट्रगल दिक्कत में है, किस लिए, टू मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट,
तो वो तो सर इंडस्ट्री चला रहे हैं सर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चल रहे हैं वो तो कोई ऑल्टरनेटिव जो कि है सर अरेंजमेंट करने के लिए वो तो लगे हुए हैं। और मैं आपको ये तो मतलब नहीं कह सकता कि कब तक कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इस बात की मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन सर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो रहा है, चल रही है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन स्ट्रगल में है, यानी कि सर कोई ना कोई दूसरा जरिया ढूंढ रहे हैं इससे निपटने के लिए, जो कि हौसला देती है एक शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म में बने रहने के लिए किसी स्टॉक के अंदर। तो मैं आपको बताना यही चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो बेशक आप यहां पर बने रह सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, रिसर्च कीजिए उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। और सर अगर आप आज की डेट में 7 जुलाई 2021 को अगर आप यहां पर देखें कि आप कुछ कारोबार की सिचुएशन रही है, तो मैं आपको यहां पर सिर्फ सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 13% की ही डिलीवरी उठाई गई है दोस्तों, 13% की। लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, और इस माहौल के अंदर मुझको एक बात याद आ जाती है जो वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि जब लोग डर रहे हैं तब खरीदारी करो, क्योंकि जब लोग लालची हो जाएंगे तब तुमको खरीदारी करने का मौका नहीं मिलेगा, तब स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो सर अगर आप आज खरीदारी नहीं करेंगे तो मान कर चलिए ये स्टॉक जब 500 पार हो जाएगा तब आप मतलब हाथ मलते रह जाएंगे कि मैंने क्यों नहीं लिया, लेकिन सर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आपको भावनाओं में नहीं बह जाना है, इमोशन में नहीं बह जाना है, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए समझिए रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। हर वो स्टॉक अगर आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा अगर आप उसको देखेंगे, हर वो स्टॉक आपको बुरा लगेगा अगर आप उसको देखेंगे, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, बस प्राइस का खेल है, इसको आपको समझना होगा किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आप टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक की बात करें, मतलब सर मैं आपको बताना यही चाहूंगा पूरे इंडस्ट्री के अंदर, इस पूरे दुनिया के अंदर ही देखेंगे सर, चिप शॉर्टेज की वजह से आपको वोलेटिलिटी थोड़े ही दिनों के लिए ही सही देखने को तो जरूर मिलेगी, ये मैं मतलब सोच रहा हूं, बाकी सर मैं पूरी तरह से गलत साबित हो सकता हूं, देखते हैं क्या कुछ होता है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव जरा सा भी आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।